नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। मैं अमोल गौड़ी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ आ रहे थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टैंडर्ड 12 विथ रेडिएशन। ओके बच्चों, आज यहां से रेडिएशन की भी शुरुआत हो जाएगी। काइनेटिक थ्योरी पढ़ना चालू किए थे लेकिन अभी तक रेडिएशन के बारे में बात नहीं किए थे। तो बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हमारे पार्ट में, जहां पे हम लोग देखेंगे बच्चों एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द हीट रेडिएशन। ओके, सो हमारा सबसे पहले आज जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? एब्सॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। चलिए बच्चों समझने की कोशिश करते रेडिएशन। ओके, एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, तीन प्रोसेसेस है। तीन कितना होता है? इतना होता है, हाँ, तीन प्रोसेसेस है बच्चों। और इन तीन प्रोसेसेस को हम लोगों को ढंग से समझना है। बस तीन प्रोसेसेस को ढंग से समझना है, ज्यादा नहीं कुछ। देखो बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि नॉर्मली जैसे अभी हम लोगों ने यहां पे कोई तो एक गर्म चाय का प्याला है, गर्म चाय की प्याली हो जो भी हो, यहां पे एक कोई तो कप है जिसमें एकदम गर्मा गर्म चाय है, ठीक है। तो अभी उस चाय को आप लोग अगर जल्दी नहीं पियोगे तो वो ठंडी हो जाती, क्यों? बेसिक चीज है, सबको पता है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है। सो बच्चों, हीट क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है, कहो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी है ना। तो अब हीट एनर्जी कहां से कहां पे जाएगी? हायर टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी, हायर एनर्जी टू द लोअर एनर्जी। जो अमीर है वही गरीबों में बांटेगा ना, कि गरीब से अमीर लेगा, लेता है वैसे, ये सोशल स्ट्रक्चर से अलग है, लेकिन फिजिकल बॉडीज में ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो फिजिकल बॉडीज में क्या होता है बच्चों? फिजिकल बॉडीज में यह होता है कि हायर टू लोअर ही जाता है क्या? एनर्जी। हायर टू लोअर प्रेशर चेंज, ये आप लोगों ने देखा होगा, तो मूवमेंट हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी जो फ्लो है वो यहां पे भी बरकरार है। सो अगर मैं कहूंगा आपको कि हीट ट्रांसफर होती है, तो हीट ट्रांसफर के क्या क्या टाइप से देखो। हीट ट्रांसफर, सबसे पहले देखो बच्चों इसमें एब्सॉर्प्शन क्या होता है। तो अभी हीट ट्रांसफर जो होती है ना, उसमें देखो अभी पहले उसके कुछ अलग अलग से टाइप है। तो अब उसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडक्शन, जिसको आप लोगों ने शायद कभी तो पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड वगैरह जो भी है। कंडक्शन क्या होता है बच्चों? ये एक वे ऑफ ट्रांसफर है, हीट का ट्रांसफर होने का एक तरीका है कंडक्शन। कंडक्शन किस चीज को कहेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कंडक्शन मोस्टली सॉलिड्स में होता है। मतलब क्या? मान के चलो आप लोग हाथ में एक चम्मच हो या कोई भी मेटलिक स्केल है आपके पास, और अगर समझो जाके उसको गैस के ऊपर पकड़ो। देखो ये स्केल है, यहां पे गैस जल रहा है। अगर मैं इसको यहां पे हिट करता हूं यहां पे, तो थोड़ी देर तो मुझे कुछ नहीं लगेगा, लेकिन बाद में मेरा हाथ डांस करने लगेगा, है कि नहीं? क्यों डांस कर रहा है भाई ये हाथ? ये डांस इसलिए कर रहा है क्योंकि ये पार्ट गर्म हो गया, लेकिन मैंने इसको तो हिट किया ही नहीं। तो हिट यहां से यहां तक क्या हुई? कंडक्ट हुई। क्या हुई? हीट कंडक्ट हुई, एनर्जी कंडक्ट हुई। हीट मतलब एनर्जी कंडक्ट हुई। तो देखो बच्चों, यहां से यहां तक एनर्जी कंडक्ट हुई, लेकिन इसका मतलब यह है क्या कि यहां के मॉलिक्यूल यहां तक पहुंच गए? नहीं, मॉलिक्यूल नहीं गए, यहां के मॉलिक्यूल वही है, यहां के मॉलिक्यूल यही है। तो फिर हीट गई कैसे? यही तो प्रोसेस है जिसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर्स, हीट ट्रांसफर्स, और हीट का मतलब कौन है? हीट ट्रांसफर हो रहा है मतलब एनर्जी जा रही है, सिर्फ एनर्जी जा रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर विदाउट एनी पार्टिकल ट्रांसफर। पार्टिकल नहीं ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, विदाउट पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पार्टिकल का यहां पे मूवमेंट नहीं आएगा बच्चों, पार्टिकल नहीं जा रहा। फिर कौन जा रहा? हीट एनर्जी जा रही,
सवाल यह है कि हीट एनर्जी जा कैसे रही है कि नहीं? कुछ तो प्रोसेस होगी। प्रोसेस एकदम सिंपल सी बच्चों, यहां हीट किया था, जहां पे हीट किया वहां के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हीट को एब्सॉर्ब करते हैं, मतलब एनर्जी को लेते हैं। एनर्जी को ले लिया तो क्या हो जाता है, एक्साइटेड, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जैसे एक्साइट हो जाते हैं वो वाइब्रेट होने लगते हैं, नाचने लगते हैं अपने आसपास में, पूरा ऐसा 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 करने लगे। जितना कम एनर्जी लेंगे थोड़ा थोड़ा सा वाइब्रेट होंगे, देखो एकदम हल्का 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 हल्का, बाद में फिर वाइब्रेशन बढ़ेंगे, ये लो ये बढ़ेगा, है कि नहीं? आपको लग रहा होगा क्या कर रहे हैं भैया जी। सो ये पार्टिकल जो है ना, ये पहले पहले तो कम वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं, बाद में इनके वाइब्रेशंस बढ़ते चलते हैं। वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे ना, तो ये अपनी एनर्जी को थ्रू द वाइब्रेशंस बाजू वाले पार्टिकल्स के पास दे देते हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पड़ोस में कोई है, अगर मैं थोड़ा वाइब्रेट होऊंगा तो पड़ोस वाले डिस्टर्ब होंगे कि नहीं? वो बोलेंगे क्या कर रहा है भाई, फिर मैं और ज्यादा मजे लूंगा, फिर और ज्यादा हिलूंगा तो वो लोग भी ज्यादा हिलेंगे। तो सिंपलर चीज है कि मैं अपनी एनर्जी को क्या कर रहा हूँ, उनको भी ट्रांसफर कर रहा हूँ। इफ आई एम कमिंग इन द काइनेटिक एनर्जी, इफ माई हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू द काइनेटिक एनर्जी, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी मैं पड़ोस वाले को भी दे रहा हूँ, वो पड़ोस वाला उसके पड़ोस वाले को दे रहा है। ये जैसे वो साइकिल ही नहीं गिरती उसकी तरह है। मतलब देखो, एंड वाली साइकिल गिराने के लिए जरूरी नहीं है कि एंड वाली साइकिल को लात मारो, पूरी लाइन में जो साइकिलें खड़ी है ना, तो पहली वाली साइकिल को मारो, धाड़ 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 एंड तक गिरते चलती, वैसे ही एनर्जी जा रही है। लेकिन पहली वाली साइकिल एंड पे जाके गिरी क्या? नहीं। तो जरूरी नहीं है पार्टिकल हिले, ऐसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे बच्चों कंडक्शन। समझ गए होंगे आप लोग। सो ये है कंडक्शन, ये मोस्टली सॉलिड्स में होता है बच्चों। मोस्टली कहाँ पे होता है? ये सॉलिड्स में, ये सॉलिड्स में होता है, ठीक है। चलिए अभी दूसरा है बच्चों कॉन्वेक्शन। अब ये कॉन्वेक्शन क्या है? ये सेकंड प्रोसेस है बच्चों, हीट ट्रांसफर की सेकंड प्रोसेस है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन कैसे? देखो आप लोग अगर देखोगे किसी भी नॉर्मली किसी भी चीज में, जैसे एक हम लोगों ने ये देखा था, समझो अगर हम लोग एक, मैंने बचपन में जैसे अभी एक बड़ा सा ऐसा, मराठी में उसको घंगाल बोलते थे, ऐसा एक बड़ा सा पॉट रहता था जिसके अंदर एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता था। देखो ये ऐसा एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता था और उसके अंदर भी एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता था बच्चों, ठीक है? अंदर ये कहां भाग रहा है? अरे गया कहां? चिट ओके छोटो बच्चों, वो आ नहीं रहा है, जो भी कहां पे गया पता नहीं मुझे, बीच बीच में स्क्रीन को क्या हो जाता है जी। चलिए मैं फटाफट बता देता हूं, हीट ट्रांसफर हो रही है। सो हीट ट्रांसफर की पहली एक प्रोसेस क्या है बच्चों? कंडक्शन, जिसको अभी हम लोगों ने बता दिया, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरे के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और उसमें हम लोग अभी देख रहे थे सेकंड वाला क्या था बच्चों? कॉन्वेक्शन। सो सेकंड वाला है कॉन्वेक्शन। अब कॉन्वेक्शन को जो पढ़ रहे थे, मैंने आपको बता दिया था बच्चों कि समझो ऐसे मान के चलो कि एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर था, उसके अंदर एक और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर था, ठीक है, ऐसा वाला। अभी अंदर वाला जो स्ट्रक्चर था ना, उसके अंदर लकड़ियां डालते थे, उसको जला देते थे। अब होता यह था, देखो ध्यान दो कि यह पानी को गर्म कर देता था। क्या किया इसने? पानी को गर्म कर दिया। अब लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है? यहां पे क्या होता है, ये गर्म हो रहा है, कौन? ये जो अंदर वाला सिलेंडर है ना, ये लकड़ी जलने की वजह से ये खुद गर्म हो रहा है। अब इसके पड़ोस वाले जो पार्टिकल है ना, वो गर्म हो रहा है, तो इधर तक हीट कैसे पहुंची? थ्रू द वाइब्रेशन? नहीं, ये जो गर्म होने वाले पार्टिकल है ना, वो खुद अपनी पोजिशन शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा ये साइडवाइज नहीं जाते, वो एक्चुअली जाते कहां पे पता आपको? जो बॉडी गर्म हो जाती है ना, वो एक्सपांड हो जाती है। एक्सपांड हो गया मतलब उसकी डेंसिटी कम हो गई, और जिसका डेंसिटी कम हो जाता है ऊपर, और इसलिए नॉर्मली ये ऊपर जाता था पानी जो गर्म हो जाता था, ठीक है? सो हॉटर वाटर ऊपर जाता था, लेकिन जैसे हम लोग उसको थोड़ा सा डीप हार्ट डालते थे ना, तो पानी थोड़ा सा ठंडा रहता था। एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा होता था। इसका मतलब ये है, अगर आप लोग गैस के ऊपर किसी भी वाटर को रखोगे, थोड़ा सा डीप लेना, लेकिन जिसमें भी रखोगे ना, जिसको उसको थोड़ा सा डीपर लेना। अब देखो, अब अगर मैं इसको हीट करूंगा, मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है बच्चों,
इससे बच के रहना। चलो ये जो कॉलम है अभी, अभी होता क्या है देखो, मैं नीचे से गर्म कर रहा हूं तो नीचे वाले जो इस मेटलिक बॉडी को अटैच्ड जो मॉलिक्यूल्स है वो गर्म हो जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स गर्म होने की वजह से उनमें वाइब्रेशन बढ़ गया, अब उनका क्या हो जाता है हीट होने की वजह से वो एक्सपांड हो जाते हैं, एक्सपांड हो गए तो क्या हो जाता है बच्चों डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी डेंसिटी कम वो कहां जाता है बच्चों ऊपर, इसलिए ऊपर वाले लेयर में क्या चले जाता है हीट, हीट या कहो हॉट वाटर, अब हॉट वाटर ऊपर है लेकिन अब ये ऊपर वाले जो थे वो थोड़े कंपेरेटिवली ठंडे थे पहले, अब ठंडे पानी मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा, वो जाएगा नीचे और इसलिए नीचे रहता था कोल्ड वाटर, ऊपर हॉट वाटर रहता था नीचे कोल्ड वाटर रहता है, ज्यादा फर्क नहीं रहता लेकिन फर्क रहता जरूर है ये आपको समझेगा। अब देखो ये ऊपर वाला हॉट वाटर क्यों आया, क्योंकि जो मॉलिक्यूल यहां थे वो खुद ही ऊपर चले गए, सो कॉन्वेक्शन में क्या होता है बच्चों हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन हीट जब ट्रांसफर होती है ना बच्चों तो उसमें क्या होता है एक्चुअली नॉट ओनली द एनर्जी ट्रांसफर, यू कैन से नॉट ओनली एनर्जी ट्रांसफर्स बट ऑल्सो द पार्टिकल मूव्स, तो क्या हो जाते हैं इसमें पार्टिकल की मूवमेंट भी होती है, तो ये खास करके कौन से मीडियम में होते हैं स्पेशली द लिक्विड एंड एयर या गैस कहो जिसको, सो गैसियस मीडियम या लिक्विड में ये ऐसा होता है जो फ्लूइड है जिसमें पार्टिकल के मूवमेंट को एक स्कोप है, सॉलिड में तो स्कोप नहीं है, समझ रहे हो आप लोग बच्चों, ये हो गया अभी कॉन्वेक्शन। अब अपना भाई आएगा जिसका एक सेपरेट सा अपना वजूद था रेडिएशन, यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर में देखा था ना, अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, तो अभी वो भाई साहब को हम लोग जो है ना उसको एकदम अलग से लिख लेते हैं रेडिएशन, ठीक है बच्चों एकदम अलग से लिखेंगे इसको, ठीक है। सो अभी हीट ट्रांसफर का तीसरा प्रकार है, प्रकार थर्ड टाइप इज रेडिएशन, सब लोगों को पता होगा रेडिएशन क्या होता है, नहीं पता ध्यान दे दो, एक तरीके की एनर्जी होती है जो वेव्स के फॉर्मेट में जाते रहती है, पार्टिकल नहीं जाता, पार्टिकल रहते भी नहीं वहां पे, कौन जा रहा है एनर्जी जा रही है, लेकिन कैसे जा रही है वेव्स के फॉर्म में। देखो नॉर्मली हम लोग अगर देखेंगे तो सन से हम लोगों को जो एनर्जी आती है उसमें हीट एनर्जी भी होती है, हीट रेडिएशन कहेंगे हम लोग उनको, वो आती है लाइट एनर्जी के फॉर्म में आपके पास, तो वो पॉकेट ऑफ एनर्जी होते हैं जो आपके पास आते हैं, जैसे वो आपकी बॉडी के ऊपर गिरेंगे या किसी भी बॉडी के ऊपर गिरेंगे आसपास में तो उसको गर्म कर देते हैं, क्योंकि वो एक हीट रेडिएशन होता है। क्या होता है बच्चों हीट रेडिएशन। अब मुझे बताओ बच्चों ये जो आता है तो क्या सन से पार्टिकल आप तक पहुंच रहे हैं, नहीं, फिर क्या पहुंच रहा है सन से आप तक, वो तो वेव्स आ रहे हैं, वो तो एनर्जी आ रही है जो आपके पास तक पहुंच रही है, और इसलिए याद रखना कि यहां पे हीट तो ट्रांसफर होती है लेकिन हीट ट्रांसफर होते वक्त कौन से मीडियम में आती है या किस फॉर्म में आती है, सो हीट ट्रांसफर्स वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यू कैन से और रेडिएशंस यू कैन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं सन से जो आते हैं ना वो रेज कौन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम तक पहुंचेंगे वो हीट रेडिएशन कैरी करते हैं, और इसलिए फिर इसको याद रखना इसके लिए किसी भी नो मटेरियल मीडियम इज नीडेड। क्यों मटेरियल मीडियम होगा तो इसको प्रॉब्लम है, नहीं बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं भी हो तो भी इसको प्रॉब्लम नहीं, समझ गए क्या आप लोग। सो नो मटेरियल मीडियम इज नीडेड इसका मतलब है ये क्या कर सकता है, इट कैन ट्रांसफर हीट इन वैक्यूम एज वेल। सो वैक्यूम में भी क्या कर सकता है ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, सिंपल है क्या बच्चों, एकदम आसान है, तीन चीजें याद रखो, कंडक्शन हीट ट्रांसफर होती है थ्रू द वाइब्रेशन बट नॉट पार्टिकल्स, कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होती है थ्रू द पार्टिकल इटसेल्फ, एनर्जी तो जाती है साथ में पार्टिकल खुद भी जाता है, वो खुद एनर्जी को लेके भागता है, ठीक है। और तीसरी चीज रेडिएशन, ये पहले दोनों से अलग है, पहले दोनों के लिए भी सॉलिड लिक्विड या कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, ये याद रखो,
ये खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आ रहा है, किसी भी बॉडी के ऊपर वो गिर जाएगा, सो फाइनली वो क्या करेगा, आपको देगा एनर्जी। ओके समझ गए, खत्म हो गया। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या बाकी है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग नॉर्मली अगर कहते हैं, हमारी बॉडी देख लो, कोई भी बॉडी देख लो, मतलब कोई भी बॉडी देख लो आसपास में, ठीक है। अब देखो वो बॉडी जो कोई भी अपने सराउंडिंग से ज्यादा हीट कैरी करती है, उसका कहो सराउंडिंग से ज्यादा उसका टेम्परेचर है, ठीक है। अब मैं यहां पे हूं, मेरे सराउंडिंग में क्या है बच्चों, एयर है, मेरे जहां पे मैं खड़ा हूं वो फ्लोर है मेरे कॉन्टैक्ट में। अब देखो अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर या कहो मेरी बॉडी के अंदर की हीट, ये मेरे सराउंडिंग के हीट से क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, तो मेरी बॉडी हीट एनर्जी को रेडिएट करेगी। क्या करेगी, रेडिएट करेगी। और इसलिए फिर आप लोग ये कह सकते हो कि थर्मल रेडिएशन ये हर जगह पे है जहां पे टेम्परेचर का या हीट का डिफरेंस है। सो वी कैन से ईएम रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन। सो व्हाट इज द थर्मल रेडिएशन बच्चों, ध्यान देना, इट इज द ईएम रेडिएशन एमिटेड बाय, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय ए बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर देन इट्स सराउंडिंग। तो अपने सराउंडिंग से कितना गंदा लिख देते हो रे कभी कभी, हाँ जी इधर ध्यान दो। सो अपने सराउंडिंग से ज्यादा जिस बॉडी का टेम्परेचर है, हाइयर है, वो अपने सराउंडिंग के साथ क्या कर देती है, उसको हीट रेडिएट करके दे देती है, बस सिंपल है। तो मेरी बॉडी अगर मान के चलो यहाँ के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कैरी कर रही है, तो मेरी बॉडी क्या कर रही है, हीट को रेडिएट कर रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। इसका मतलब ये है कि मैं भी सन की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट कर रहा हूं, क्या कह सकते हो। लेकिन 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 हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, क्योंकि वो उतने अमाउंट में नहीं आती है जितनी सन के थ्रू आती है। तो वैसे तरीके से हम लोग उसको देखेंगे भी और नहीं भी देखेंगे, ठीक है, जो भी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनका बीच का जो इंटरेक्शन है, थर्मल रेडिएशन और मैटर, इसके बीच का इंटरेक्शन को देखते हैं। चलो चलिए भाई साहब ऊपर, ओके हाँ जी। तो अभी हमें क्या देखने का है, इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर, हमें देखने का है इंटरेक्शन बिटवीन थर्मल रेडिएशन एंड मैटर। मैटर मतलब क्या है, मैटर मतलब लफड़ा है कि नहीं, मैटर हो गया लफड़ा हो गया, नहीं वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं, इंटरेक्शन देखना है बच्चों, क्या देखने का, इंटरेक्शन, हाउ डू वी एक्ट विथ ईच अदर, दैट इज इंटरेक्शन, राइट। हु इंटरैक्ट्स विथ हुम, थर्मल रेडिएशन का और किसका बच्चों, मैटर का। ओके बच्चों देखते हैं, ध्यान देते हैं। जब भी कभी किसी बॉडी के ऊपर ईएम वेव्स आके गिरेंगे, कहो थर्मल रेडिएशन आके गिरेंगे, कहो हीट रेडिएशन आके गिरेंगे, तो उसमें बेसिकली तीन प्रोसेसेस हो पाएगी। कितनी प्रोसेसेस हो पाएगी, तीन। अब ये जो तीन है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या क्या चांसेस है, पहले समझ लो। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हीट एब्सॉर्ब होगी, पहला चांस। दूसरा ये हो सकता है कि वो उसको रिफ्लेक्ट कर दे, हीट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ये एक चांस है। तीसरा चांस क्या है बच्चों, वो उसको ट्रांसमिट कर दे, पास कर देगा, सिंपल है कि नहीं। सो व्हेनेवर द रेडिएशन फॉल्स ऑन द बॉडी, व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन ए बॉडी, जब भी कभी ऐसा होता है तो क्या चांस है, तीन चांस है। कौन कौन से चांस है बच्चों, सबसे पहला ये चांस है कि एब्सॉर्प्शन हो सकता है, सो सम रेज मे बी एब्सॉर्ब्ड, सो देयर इज अ चांस ऑफ एब्सॉर्प्शन। सेकंड, हो सकता है कि वो उस बॉडी के रेज को कुछ
हकाल ले, बोले भाग यहाँ से, तो क्या कर देगा उसको, वहां पे होगा रिफ्लेक्शन, ये भी एक चांस है। तो तीसरा उसका स्वागत करके पिछले दरवाजे से हकाल दे, पहले इधर से ले लिया अंदर और फिर बोला चल भाग यहाँ से। मतलब कुछ मेहमान को आप लोग अंदर रखोगे, कुछ मेहमानों को गेट से ही हकाल दोगे, शायद वो बिन बुलाए मेहमान, और कुछ इनको आप यहाँ से अंदर तो लोगे दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन आपको पसंद नहीं इसलिए शायद वो आप उनको पिछले दरवाजे से बाहर हटा दोगे। ठीक है, तो वो जो तीसरा वाला है वो है ट्रांसमिशन जी। ये तीन प्रोसेसेस है बच्चों जो आप लोगों को समझनी है, ये तीन प्रोसेसेस है, एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, क्या ये तीनों के तीनों एक साथ हो सकते हैं क्या? हाँ, इनमें से सिर्फ एक ही होगा, ऐसी भी सिचुएशन है क्या? बिल्कुल हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि ये तीनों के तीनों एक साथ हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों में से एक हो रहा है या बाकी के दो हो रहे हैं और एक नहीं हो रहा है बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। सो अलग अलग से चांसेस है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा और क्या नहीं होगा? ये बच्चों डिपेंड करेगा कि जिस मटेरियल के ऊपर वो जाके गिर रहा है उसका नेचर कैसा है, वो सब्सटेंसेस कौन है, और इसलिए फिर सब्सटेंसेस के अलग अलग से टाइप आएंगे जो अभी हम लोग इसके थोड़ी देर के ही बाद में पढ़ने वाले हैं। तो सब्सटेंसेस क्या क्या कैसे नेचर के होते हैं, जैसे डायथर्मनस होते हैं, अथर्मनस होते हैं, ओपेक मीडियम क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिएगा तो अभी इसको हम लोग देखना चालू कर देते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, समझो हम लोगों ने जो रेडिएशन आए थे उसमें एनर्जी थी क्यू, कितनी थी बच्चों? क्यू। सो क्यू ये कौन है बच्चों? इंसिडेंट, इंसिडेंट ओके, ये आके गिरी, इतनी एनर्जी आके गिरी। अब गिरने के बाद क्या हो सकता है बच्चों? थोड़ी सी एब्सॉर्ब हो सकती है, थोड़ी सी एब्सॉर्ब हो गई समझो उसमें से। सो क्या मैं कह सकता हूं ये एब्सॉर्ब्ड एनर्जी है? बिल्कुल कह दिया। प्लस हो सकता है कि कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गए, क्या मैं उसको क्यू आर कह सकता हूं क्या? हाँ कह दिया, ये है रिफ्लेक्टेड, ये है बच्चों रिफ्लेक्टेड। और कुछ एनर्जी हो सकता है कि क्या होगी? ट्रांसमिट होगी बच्चों, ट्रांसमिट टी आर से डिनोट कर देंगे। सो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इधर क्या हो गई है? कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो चुकी है बच्चों। सो अब देखो बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा, ये टोटल एनर्जी है कि नहीं? समझो मान के चलो कि 100 जूल की एनर्जी आ रही है, इसमें से कुछ एब्सॉर्ब होगी, मतलब समझो 40 जूल की एब्सॉर्ब होगी, 30 जूल की समझो रिफ्लेक्ट होगी, बची हुई 30 जूल की क्या होगी? ट्रांसमिट होगी, होगी। कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये तीनों मिला के 100 जूल बन ही जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? अब देखो मैं काम करता हूँ, इसको टोटल इसको क्यू से डिनोट कर डिवाइड कर देता हूँ, बाय डिवाइडिंग क्यू क्या हो जाता है देखो, डिवाइड करो क्यू को क्यू से। सो क्यू से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा भाई साहब क्यों 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा क्यू ए अपॉन क्यू, ये बनेगा क्यू आर अपॉन क्यू, और ये बनेगा लास्ट वाला क्यू टी आर अपॉन क्यू, करेक्ट है कि नहीं? राइट अब देखो 100 में से कितना, 100 में से कितना, 100 में से कितना ट्रांसमिट हुआ, देखो 100 में से कितना एब्सॉर्ब हुआ, 100 में से कितना रिफ्लेक्ट हुआ, और 100 में से कितना ये उसका क्या है, इसी को जब सेम अमाउंट्स या सेम क्वांटिटीज को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, कल परसों हम लोगों ने उसके बारे में शायद पढ़ा भी होगा कभी, तो इसको ये कोएफिशिएंट है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं बच्चों, ये भी कोएफिशिएंट है, इसको भी हम लोग आर से डिनोट करेंगे, और ये है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इसको हम लोग टी आर से डिनोट करेंगे बच्चों, तो ये बनेगा 1। सो यहां पे कौन कौन क्या क्या है समझ गए क्या? ए है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते बच्चों? क्यू ए अपॉन क्यू। आर कौन है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे बच्चों? क्यू आर अपॉन क्यू से, ये देखो यहां पे। और लास्ट में टी आर कौन है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, और जिसको हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों किससे? क्यू टी आर अपॉन क्यू से। समझ गए, क्लियर है आपको? ये फॉर्मुलेशन लिख लो बच्चों, और ये बहुत जरूरी चीज है,
ये जो है ना, ये डिसाइड करेगा आपका कि क्या क्या सिचुएशन आने वाली, किस टाइप के नेचर है सब्सटेंसेस की, ये डिसाइड करेगा। ये छोटू सा फॉर्मूला, ये इतू सा फॉर्मूला डिसाइड करेगा कुछ तो बड़ी चीज, देखेंगे अभी इसको, तो इसको याद रखने का है। ओके, होपफुली आप लोगों ने ये लिख लिया है पॉज करके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिसको याद रखने का है, चलो वो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ फिर से एक बार, आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए बच्चों। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन गिव्स यू वन, हाउ मच, वन, ये देता है एक, इसकी वैल्यू है एक, कितनी है एक। ओके जी, अब सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं बच्चों। अब हाँ, और ये इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों, इनका डायमेंशन होता है कुछ भी नहीं, क्योंकि सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी डिवाइड कर रही है तो सब कुछ कट हो जाएगा और एक प्योरली नंबर मिलेगा आपको, है कि नहीं। सो एक बार प्योर नंबर मिल गया, इसका मतलब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि प्योर नंबर इज अ डायमेंशनलेस, इट इज अ यूनिटलेस थिंग। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अलग सी चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ये डायमेंशनलेस है। ओके, ए आर टी आर, जो भी अभी मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, ऊपर वाले इसमें चाहे तो आप लोग लिख लेना अभी, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे ग्रेजुअली अगर हम लोग वन बाय वन स्टेप को अगर देखेंगे, तो समझो ऐसे मान के चलो एक सब्सटेंस है, केसेस देख लेते हैं, ठीक है, ये केसेस कहते हैं हम लोग इनको। सो केस में ऐसे मान के चलो कि एक सब्सटेंस है जो परफेक्ट, क्या है परफेक्टली, हम लोग जिसको कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल का है। सो फॉर द परफेक्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल, नॉर्मली हम लोग ग्लास को देखते हैं। मैंने किसी मूवी में देखा था कि ग्लास, या कोई एडवर्टाइज थी पता नहीं, कि एक बड़ा सा ऑफिस रहता है और उसके सामने एक ग्लास रहती है, ऐसे सामने पूरा ग्लास का रो रहता है, तो एक बंदा आता है और उसके ऊपर जाके टकरा देता है। ऐसे कैसे हो गया, वो क्या अंधा था क्या? नहीं, वो ग्लास जो थी ना, वो ऑलमोस्ट परफेक्ट, क्या कहा मैंने, ऑलमोस्ट परफेक्ट ट्रांसपेरेंट ग्लास थी, जिसके वजह से क्या नहीं हुआ। नॉर्मली हम लोगों को कोई भी जो ग्लास दिखती ना, वो उसकी वजह होती कुछ, क्योंकि उसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है बच्चों, रिफ्लेक्शन हो रहा है, या तो फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों भी चीजें एट द सेम टाइम होती है, लेकिन आपको नॉर्मली ग्लास दिखने की वजह यह है कि कुछ ना कुछ लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट होकर आ रही। लेकिन अगर आप लोग परफेक्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल देखोगे, तो इसमें से अब ये ग्लास 100% एक चीज तो श्योर है, रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रही, इसलिए इसमें कोएफिशिएंट ऑफ आर होगा जीरो, आर तो जीरो बनेगा, वो तो गारंटीड है कि नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे वाले ग्लास को आप हाथ लगाओ, तो उसका जैसा टेम्परेचर है वैसा ही रहता, क्योंकि वो किसी भी हीट के रेडिएशन को खुद के अंदर नहीं रोकता, मतलब रोक के नहीं रखा, मतलब एब्सॉर्ब नहीं किया। इसलिए क्या मैं कह सकता हूं, इधर ए भी जीरो ही होगा। तो जितने हीट के रेडिएशन आए थे कहां चले गए बच्चों, उसने पास कर दिए, जितना भी मेहमान आया था पिछले दरवाजे से हकाल दिए, तो सबको हकाल दिया, इसलिए क्या हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। कितना इधर पुट करके देखो ना, ये जीरो, ये जीरो, जीरो प्लस जीरो, ये चला गया, टी आर कितना बचा बच्चों, फिर वन। ये कब होता है बच्चों, जब परफेक्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। सिंपल है, देखो पहले कहा था, मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं दूसरी केस, चलिए भाई सेकंड केस क्या कहती है देखते, देखो बच्चों सेकंड केस में अब क्या आता है। अब मान के चलिएगा ये तो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मटेरियल था, अब एक दूसरा मटेरियल आता है जिसको हम लोग क्या कहते बताए, डायथर्मनस सब्सटेंस। क्या कहते बच्चों, डायथर्मनस सब्सटेंस, डायथर्मनस सब्सटेंस। अब ये क्या होता है, पहले मैं वो बता देता हूं आपको, और फिर उसके केस में क्या बनेगा वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज ए डायथर्मनस सब्सटेंस, ओके बच्चों चलिए ध्यान देते हैं। ये ऐसा मटेरियल है, या कहो ये ऐसा सब्सटेंस है जिसके थ्रू हीट रेडिएशन पास हो सकता है। सो वी कैन से अ सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशन कैन पास, ए सब्सटेंस थ्रू विच
जिसके थ्रू क्या हो सकता है बच्चों, हीट रेडिएशन, हीट रेडिएशन कैन पास, पास हो सकता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहां गया, डायथर्मनस सब्सटेंसेस। अब देखो, अगर मैं आपको पूछूंगा कि इसका टीआर कितना है, क्या इसका टीआर जीरो होगा क्या? डेफिनेटली नहीं, वो तो हीट रेडिएशन को पास करा रहा है, सो इट इज नॉट जीरो, दैट इज फॉर श्योर। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, डायथर्मनस सब्सटेंसेस। अब अगर मैं कहूंगा इनको एक अलग लैंग्वेज में अगर हमको देखने का है, ये गुड एब्सॉर्बर भी नहीं होते और गुड रिफ्लेक्टर भी नहीं होते, दे आर नॉट गुड एब्सॉर्बर, एब्सॉर्बर भी नहीं है, एंड नॉट गुड रिफ्लेक्टर टू। मीडियम मीडियम, बहुत होशियार भी नहीं, ये अपने रेंज जैसे होते हैं, जो मैं स्कूल में जिस रेंज में था ना बच्चों, बस 70-80 जो भी होगा, 70-80 की रेंज, मतलब पेरेंट्स उनको ज़्यादा डांट भी नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत घटिया परफॉर्मेंस किए हो, तो वो रेंज भी नहीं है, और ये रेंज भी नहीं है कि पेरेंट्स तुम्हारी बहुत ही तारीफ कर दे कि हमारा बच्चा देखो कितना पढ़ता है, ये रेंज भी नहीं है, तो ना ढंग का इधर का ना ढंग का इधर का, मैं बीच में कहीं तो लटक चुका था, ठीक है। जैसे वैसे ही है, दे आर नॉट द गुड एब्सॉर्बर, दे आर नॉट द गुड रिफ्लेक्टर एज वेल, है कि नहीं बच्चों? और नॉर्मली जो लोग ऐसे होते हैं ना, शायद मुझे लगता है कि वो लोग टीचर बन जाते होंगे, बाकी हमारे क्लास के टॉपर जो है वो फिर कहाँ कहाँ है पता नहीं, अभी अमेरिका भटक रहे बहुत ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा तो उधर ही भाग रहे हैं। चलिए बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, डायथर्मनस सब्सटेंसेस, अ सब्सटेंस थ्रू विच द हीट रेडिएशन कैन पास, सो इट डज मीन दैट द टी आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट है कि नहीं? ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डायथर्मनस। इसके एग्जाम्पल देख लो, क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज मटेरियल एक टाइप का, सबसे ज्यादा आप लोगों ने इसका नाम केमिस्ट्री में वगैरह कहीं ना कहीं पे सुना होगा, क्वार्ट्ज है। उसके बाद में सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन है, ग्लास है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और भी कुछ कुछ सब्सटेंसेस होंगे, जो भी होंगे उनके नाम आप लोग देख लेना, फैक्चुअली इसमें ज्यादा जाएंगे नहीं हम लोग। तो ये पहले कॉन्सेप्ट समझ गए, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से हीट रेडिएशन पास हो सकता है उसको क्या कहेंगे, डायथर्मनस, जिसमें टीआर जीरो तो नहीं होगा, लेकिन ये गुड एब्सॉर्बर भी नहीं है और ये गुड रिफ्लेक्टर भी नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे छुप गया था, देखो बच्चों कितना शरारती है, कहाँ चला गया था, देखो ये भाई साहब, हमने कितना ढूंढा भी तुमको, अब भाग वहाँ पे, अब तुमको वैल्यू नहीं देंगे हम। चलिए बच्चों, अब हमें देखने का है दूसरे सब्सटेंसेस, और कौन सा है, एक ओपेक सब्सटेंस होता है, क्या होता है बच्चों, ओपेक मटेरियल। व्हाट इज द ओपेक सब्सटेंस या ओपेक मटेरियल बच्चों? ओपेक तो सबको पता है, हम लोग मराठी में, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं उसको, अपारदर्शक, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शक, जाने देता, अपारदर्शक। जैसे कि वॉल है बच्चों, वुड है बच्चों, ये जो है ना, ये हीट के रेडिएशन को पास नहीं होने देते, ना बोलते चल, नहीं बोलते ये। तो अगर हम लोग कहेंगे ओपेक, दे डज नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, हम लोग ये कह सकते, दे डज नॉट ट्रांसमिट एनी काइंड ऑफ हीट रेडिएशन, तो ये हीट रेडिएशन को पास होने देंगे क्या भाई? नहीं, इसलिए डज नॉट, याद रखना, डज नॉट, नो 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 बोल देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस कौन है? ओपेक सब्सटेंसेस। सारे सब्सटेंसेस आप लोगों को जो जिसमें से लाइट के रेडिएशन नहीं आ रहे ना, सिंपली वो क्या है बच्चों, ओपेक सब्सटेंसेस है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें ट्रांसमिशन कितना हो गया बच्चों? बिल्कुल भी जीरो, जीरो ट्रांसमिशन है ना, तो जीरो ट्रांसमिशन है। अब बचाओ कौन है? एब्सॉर्प्शन कुछ हो सकता है, रिफ्लेक्शन कुछ हो सकता है, दोनों मिलके वन बन जाएंगे, करेक्ट है कि नहीं? फॉर्मूला तो पता था ना आपको, उसमें से ट्रांसमिशन जीरो हो गया तो बचा कौन? ए प्लस आर, जो कि हो जाएगा वन, सिंपल। चलिए आगे बढ़े फिर, अब हम लोग देखेंगे अथर्मनस सब्सटेंस, ए थर्मनस सब्सटेंस, अथर्मनस सब्सटेंस,
आई थिंक ये लास्ट वाला होगा हमारा, नहीं इसके बाद नहीं आएगा जी, एथर्मोनस सब्सटेंस। अब ये कौन होते हैं भाई? ये लार्जली ओपेक टू द थर्मल रेडिएशन होते हैं, सो ये हीट को ट्रांसमिट नहीं कराते। क्या होते हैं ये, क्या होते हैं बच्चों? लार्जली ओपेक टू द थर्मल रेडिएशन, दे आर लार्जली ओपेक, ओपेक तो अभी बताया है, टू थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन हीट को जाने नहीं देते, हीट रेडिएशन को जाने नहीं देते, और जब ये हीट रेडिएशन को जाने नहीं देते इसका मतलब हीट ट्रांसमिशन होगा क्या? सो डू नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन। यहां पे ये डबल टी हो गया, ये सिंगल टी है, ओके जी 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 जी। सो ये हीट को ट्रांसमिट नहीं होने देता, ट्रांसमिट नहीं होने देता, ट्रांसमिट नहीं होने देता। कौन है? अ थर्मनस सब्सटेंस। इसमें कौन आता है? वुड है, वाटर है, उसके बाद में हम लोग कह सकते हैं मॉइस्ट एयर है। सो एग्जांपल गिवन में हम लोग कह सकते हैं इसको मॉइस्ट एयर जैसे, उसके बाद में हम लोग कह सकते हो बेंजीन है, वाटर है बच्चों, उसके बाद में वुड आता है बच्चों। ये कई सारे जो है ना हीट को ट्रांसमिट नहीं होने देते, ओके। चलिएगा बच्चों, अभी मटेरियल्स तो हम लोगों को समझ गए। अगर मटेरियल समझ गए हैं तो हम लोग क्या बच्चों ये कह सकते हैं, हाँ एक दो रह गए, सॉरी दोनों का वो एक्चुअली क्या है ना, ये दोनों जो है ना वो परफेक्शन वाले, परफेक्शन वाले कभी कभी मैं ये परफेक्शन वाले से डरते रहता हूँ बच्चों, परफेक्शन वाले बहुत डेंजरस होते हैं। कौन सा है? चौथा पांचवा जो भी होगा। अभी एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर, और दूसरा आता है परफेक्ट, एक परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है एक को, दूसरे को परफेक्ट एब्सॉर्प्शन कर रहा है, जो परफेक्टली एब्सॉर्ब करता है हम लोग उसको कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इसके बारे में एक सेपरेट पार्ट आने वाला है लेकिन पहले इसके बारे में बता देता हूं। परफेक्ट रिफ्लेक्टर मतलब कौन? जैसे मिरर होता है, अब मिरर लाइट को ट्रांसमिट कराता है कि बच्चों? बिल्कुल नहीं। सो मिरर इसको नहीं कराता है क्योंकि वो पूरे तरीके से क्या कर देता है बच्चों? टकरा के लाइट की रेज को इधर भेजता है। अब देखो लाइट का एब्सॉर्प्शन होगा कह रहे? बिल्कुल नहीं, तो वो जीरो। लाइट को पार होने दे रहा है कह रहे? नहीं, तो इसका मतलब ट्रांसमिशन भी जीरो। तो ए जीरो हो गया, टी आर जीरो हो गया, तो रिफ्लेक्शन क्या हो गया बच्चों? ओए, 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 क्या लिख रहा हूं मैं? अबे 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 हाँ। तो कितना आसान है, अकेला राजा है, रिफ्लेक्ट ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, 100% रिफ्लेक्शन, 100% हो गया बच्चों। और सबसे लास्ट में व्हाट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी? लाइट के रेज आ रहे हैं और ये हावरट पूरा का पूरा ले रहा है। हावरट मतलब समझते हो आप लोग? लालची, लालची। तो ये बहुत लालची है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बहुत लालची बॉडी होती है, समझ लो। तो ये जो लालची बॉडी है ना, इसलिए क्या करती पता है? नॉर्मली इंडिया में ब्लैक कलर के शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट, ब्लैक कलर का बहुत कुछ ना बोलते सब लोग। उसकी वजह रिलीजियस कॉज डाल देना अलग बात है, बट देर इज अ साइंस। साउथ इंडिया में जाओ आप लोग, साउथ इंडिया जैसे भी ये हमारा इंडिया का मैप है समझो, यहाँ पे अभी मेरा मैप तो बहुत घटिया निकलेगा, छोड़ो। समझो ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे जो इंडिया है हमारा, ठीक है बच्चों, यहाँ से जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से नीचे मैक्सिमम हीट रिसीव होती है बच्चों। अब ज्यादा हीट रिसीव क्योंकि डायरेक्ट सनरेज गिरते हैं, जब डायरेक्ट सनरेज गिरते थे तो क्या बच्चों? हीट ज्यादा रिसीव हो रही है वहां पे। अब ऐसे टाइम पे आपको अच्छा एब्सॉर्बर चाहिए या अच्छा रिफ्लेक्टर चाहिए, ये सोचो। हीट नहीं चाहिए ना, तो हीट नहीं चाहिए तो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दो। तो अच्छे रिफ्लेक्टर कौन होते? व्हाइट कपड़े, इसलिए व्हाइट कपड़े पहनते, ठीक है, मोस्टली इन द साउथ इंडिया। जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे यूरोपियन कंट्रीज देखो, वो नॉर्थ पोल के पास में, अगर पोल्स के पास में डेफिनेटली वहां पे डायरेक्ट सनरेज नहीं गिर रहे, टेम्परेचर बहुत लोअर है, तो बॉडी का वो क्या चाहते हैं, जो भी रेडिएशन आए वो एब्सॉर्ब हो ताकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़े। सो इसलिए नॉर्थ में क्या करते बच्चों? मोस्टली ब्लैक पहनते। साइंस है, रिलीजन नहीं, साइंस है। सो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या करती थी बच्चों? ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब करती, परफेक्ट ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्सॉर्ब करती, बाकी कुछ करती नहीं, रिफ्लेक्ट होने ही नहीं देती। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे? एब्सॉर्प्शन पता नहीं कितना है वो देखेंगे, लेकिन ट्रांसमिट भी नहीं हो रहा है अंदर, जीरो है। और रिफ्लेक्शन का तो सवाल ही नहीं है, वो भी जीरो है। तो यहाँ पे ए बन जाएगा वन, ए बन जाएगा वन, क्योंकि ना ये हीट को
रिफ्लेक्ट होने देगा और ना ही ये हीट को, इसलिए नॉर्मली हम लोग सर पे बाल जो होते हैं ना हमारे कैसे ब्लैक वाले, तो इसलिए नॉर्मली जब बाहर गिरते हैं तो खास करके समर सीजन में हम लोगों को बोलते हैं कि सर पे कुछ पहन ले, क्योंकि ये ब्लैक है ना, तो ये ब्लैक है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिसीव करेगा, हीट रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेगा, और एब्सॉर्ब होता है इसलिए हीट को बढ़ाता है बॉडी को। ठीक है, चलिए। हाँ जी बच्चों, ये हो गया मटेरियल सब, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और आगे का जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं व्हाट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। व्हाट इज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, थ्योरी पार्ट है बच्चों, थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी पार्ट है तो सिर्फ थ्योरी को समझो, सुनो और इमेजिन करो, थ्योरी को सुनना है और इमेजिन करना है, थ्योरी को ज्यादा उसमें फॉर्मुलेशन नहीं तो रट्टा मारने का काम नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट है, तो अभी कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है ना कि रट्टा मारना। कुछ बच्चे फालतू में रट्टा मारने के पीछे पड़े रहते, मत मारो, एकदम सिंपल सी चीज है, आप लोगों को उसको क्या करने का बच्चों, समझने का। ओके चलिए, अब हम लोग देखते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, ध्यान है ना आपका बच्चों, ठीक है। ये क्या करती है, ऐसी बॉडी होती है जो क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है, इट एब्सॉर्ब्स, लेकिन क्या, द एंटायर पूरा का पूरा हीट रेडिएशन, या कहो इंसिडेंट रेडिएंट, जो भी होंगे ना इसके ऊपर कितना भी रेडिएंट एनर्जी होगा उसके पूरे को ये क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से इसका ए एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन कितना हो जाता है, 1। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया, ऐसी बॉडी कभी अचीव की जा सकती है क्या, परफेक्टली नहीं लेकिन क्लोज टू द परफेक्शन आ सकती है, जैसे कि लैम्प ब्लैक बॉडी, या इसको हम लोग कहेंगे लैम्प ब्लैक, या तो फिर एक और बॉडी है जो जिसको हम लोग कहते हैं प्लैटिनम ब्लैक, तो ये जो है ना ये बॉडी क्या कर देती है बच्चों, पता है 97% ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन को वो क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है, मतलब इसका एब्सॉर्प्शन कितना है बच्चों, 97%, मतलब 100% के एकदम क्लोज, जितना आ रहा है ना लगभग उसमें से 97% इसने खा लिया के लिए, बाकी रिफ्लेक्शन या जो भी होगा वो सिर्फ 3% का बच्चा, सो क्लोज टू परफेक्शन है कि नहीं, एकदम क्लोज टू परफेक्शन है बच्चों। अब देखो, दो ऑब्जेक्ट मान के चलो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेके चलो, ठीक है, अब हम लोग अगर समझो कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेंगे, दो ऑब्जेक्ट का नेचर देखो क्या होगा, चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, हाँ जी जी, इसमें से एक अभी दो है तो ये दूसरा इधर, अभी ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोगों ने लिया दो ऑब्जेक्ट उसमें से एक कैसा है बच्चों, वेल पॉलिश्ड, वेल पॉलिश्ड, और दूसरा कैसा है, पेंटेड ब्लैक, ये है वेल पॉलिश्ड, कैसा बच्चों, वेल पॉलिश्ड, इसका मतलब बताता हूं मैं आपको, और एक है ब्लैक पेंटेड, क्या होगा इसको, पेंटेड ब्लैक। अब देखो बच्चों, वेल पॉलिश्ड मतलब क्या, वेल पॉलिश्ड का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन जो है ना बहुत अच्छे से, इसलिए आप लोगों को जब मिरर देखते हो तो मिरर में देखो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा 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 बाल बनाते हैं उसके ऊपर, ये बाल नहीं होता, ये कोटेड साइड होती है, यहाँ से कोटिंग है, सो ये कोटेड साइड है, ये इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिश्ड, जहाँ से रिफ्लेक्शन अच्छा हो, जहाँ से रिफ्लेक्शन पूरा होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिश साइड। अब ये वेल पॉलिश्ड है तो ये क्या करेगा बच्चों, क्या अच्छा होगा इसमें, इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइट के रेज क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सो हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस रिफ्लेक्ट्स मोर, ब्लैक क्या कर लेता है, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, वही तो बात कर रहे थे हम लोग, ज्योग्राफी इज द रीजन, ये इधर इंडिया वगैरह जो बता रहे थे, ये रिफ्लेक्ट करता है उसके बराबर या अपोजिट कर लेता है, और ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्शन के अपोजिट क्या होगा, एब्सॉर्प्शन, सो इट एब्सॉर्ब्स मोर, ये ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को, हीट के रेडिएशन को क्या कर लेता है, लालची है ना, खींच लेता है, सो एब्सॉर्ब कर लेता है। ये ऐसे दो टाइप के मटेरियल अगर हम लोग देखेंगे, लेकिन अब एक चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे टेम्परेचर के मेंटेनेंस या इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोगों का पूरा ध्यान यहाँ पे होना जरूरी है बच्चों। चलो, क्योंकि थ्योरी में मैंने आपको पहले ही कहा था कि थ्योरी में बहुत सारी चीजें जो होगी वो सिर्फ ऐसी होगी कि आप लोगों को समझनी है, बस समझनी है, उसमें कुछ नोट डाउन करो नहीं करो एक ही बात है, बस रीड जब करोगे तो आपको ये समझेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नॉर्मली जो रेट ऑफ इमिशन होता है वही रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन होना चाहिए, ठीक है, जिसके वजह से टेम्परेचर मेंटेन होता है। सपोज आई वॉन्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर, सो क्या मैं कह सकता हूं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ये इक्वल होता है रेट ऑफ एमिशन को। क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ एमिशन को ये इक्वल रहता है। इसका मतलब जितना मैं हीट ले रहा हूं उतना मैं हीट को छोड़ना भी चाहिए तब मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। देखो मेरे आसपास में कई सारी बॉडीज जो रेडिएट कर रही हीट को, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, हीट को ले रहा हूं, मतलब मैं हीट को एब्सॉर्ब कर रहा हूं, लेकिन मेरी बॉडी का फिर भी टेम्परेचर बढ़ते हुए नहीं दिखेगा क्योंकि जितना मैं ले रहा हूं उतना मैं खुद भी रेडिएट कर रहा हूं। सो हीट का रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ये हीट के रेट ऑफ एमिशन से अगर मैच खाता है तो समझ लेने का कि टेम्परेचर उतना ही रहेगा, या उल्टा कहो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है आप लोगों को तो आप लोग ये कह सकते हो रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ एमिशन। ये समझ गए। अब कुछ चीजों को और भी ध्यान दो, जो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं ना बच्चों, ध्यान है ना आपका, जो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, जैसे समझो ऐसे मान के चलो कि कोई बॉडी जो है वो हीट को रिसीव कर रही, जितना ज्यादा रिसीव करूंगा उतना ज्यादा मैं ट्रांसमिट भी कर पाऊंगा, करेक्ट है कि नहीं, एमिट भी कर पाऊंगा, तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं गुड एब्सॉर्बर आर ऑलवेज गुड एमिटर्स, ये कह सकते हैं हम लोग गुड एब्सॉर्बर आर गुड एमिटर, जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा छोड़ेंगे भी, उसका चांस ज्यादा, लेकिन पुअर एब्सॉर्बर जो होते हैं ना वो पुअर एमिटर भी होते हैं। सो इसलिए गुड एब्सॉर्बर आर द गुड एमिटर, पुअर एब्सॉर्बर आर द पुअर एमिटर, ये चीज को याद रखो। ओके, अब इसमें एक और चीज याद रखो, जो पुअर एब्सॉर्बर होते हैं ये अच्छे ट्रांसमिटर या एमिटर तो नहीं होते लेकिन वो अच्छे रिफ्लेक्टर जरूर होते हैं। सो पुअर एब्सॉर्बर आर गुड रिफ्लेक्टर, दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। अगर मैं हीट को ले नहीं रहा हूं तो फिर क्या कर रहा हूं, भेज रहा हूं, इफ आई एम नॉट अ गुड एब्सॉर्बर आई एम अ गुड रिफ्लेक्टर देन, है कि नहीं, तो मैं अच्छा एब्सॉर्बर भले नहीं हूं तो मैं अच्छा रिफ्लेक्टर जरूर बन सकता हूं, समझ गए कि नहीं। सो पुअर एब्सॉर्बर आर द गुड रिफ्लेक्टर, ये चीज को भी याद रखो। अब हमारा बस इस चैप्टर का एक लास्ट वाला पार्ट है बच्चों, इस चैप्टर का नहीं मतलब एक्चुअली सॉरी इस पार्ट में अभी हम लोग एक फेरिस पेंटल ब्लैक देखेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग आज के लिए रुकेंगे और फिर बाद में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, कल कुछ पार्ट देखेंगे। अभी हमारा पार्ट है फेरिस ब्लैक बॉडी, फेरी की ब्लैक बॉडी, मतलब फेरी का हालत ऐसा कंक्लूजन करने का क्या, नहीं नहीं उसने कुछ तो डिजाइन किया था, जिस चीज को उसने डिजाइन किया था उस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो कहोगे फिर इसका मतलब है कि फेरी एक काला आदमी था, ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, ओ बाप रे कितना घटिया निकाला मैंने रे, ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है आपका इंसिडेंट रेडिएशन, ये है एक ब्लॉक, ये है एक बॉडी, ओके, जिसके अंदर से इंसिडेंट रेडिएशन को पास होने के लिए एक छोटी सी जगह है जिसको हम लोग कहेंगे एपर्चर, ओके, एपर्चर, स्मॉल होल। अब यहां पे सामने इसके एक पिरामिडल टाइप या किसी भी एक क्या कहते हैं हम लोग उसको, कोनिकल शेप का जो है ना प्रोजेक्शन है, ताकि लाइट के रेज अगर इसके ऊपर सीधे गिरेंगे तो वापस से नॉर्मली गिरने की वजह से रिफ्लेक्ट बैक करेंगे सेम पाथ से। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको ऐसा सेट कर देते हैं कि मैक्सिमम लाइट के रेज ये अंदर ही अंदर क्या करेंगे, घूमेंगे, हम करेंगे मतलब उसने किया था जी। ये जो अंदर वाला पार्ट है ना बच्चों, ये वाला, ये अंदर वाली कोटिंग, ये इसको हम लोग कहेंगे ये लैम्प ब्लैक है, ठीक है, ये लैम्प ब्लैक है। ये जो है ना, ये सिल्वर कोटेड है, ये सिल्वर कोटिंग, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर दे, ताकि कोई अंदर ना आ सके। तो हीट, अब ये जो है ना यहां पे, ये है अंदर, इन दोनों के बीच में, ये दो वॉल के बीच में जो है, इसको हम लोग कहते हैं इवैक्यूएटेड गैस, इवैक्यूएटेड स्पेस या कहो गैस या जो भी कुछ होगा, स्पेस कहो इसको, स्पेस क्या कह रहा हूं मैं भी, हाँ जी, इवैक्यूएटेड स्पेस ही है। अब कहना क्या चाहते हो, ऐसा अगर हम लोग कहा तो कहना ये चाहते हैं बच्चों कि ये एक टाइप का लैम्प ब्लैक है, जिसमें होता क्या है, देखो जब लाइट के रेज यहां से आएंगे और इस प्रोजेक्शन के ऊपर गिरेंगे तो होता यह है कि राइट अंदर ही अंदर मल्टीपल 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 बहुत सारा रिफ्लेक्शन कर देती, जिसकी वजह से अब ये जो अंदर वाली बॉडी है, जो लैम्प ब्लैक बॉडी जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो क्या करती है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा हीट को रिसीव करती है, अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है। अब बच्चों इसने हीट को एब्सॉर्ब किया तो हो सकता है कि ये हीट को कंडक्ट कर दे, इसलिए ये हीट को कंडक्ट ना करे, इसलिए ये जो बाहर वाला लेयर है जो एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज करेगा या नहीं करेगा, उसमें और इस अंदर वाले इसमें हम लोगों ने इवैक्यूएशन किया, गैस को हटा दिया। अगर कोई मटेरियल मीडियम नहीं है तो कंडक्शन कॉन्वेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोगों ने इसको अंदर एक इवैक्यूएटेड स्पेस रखा है। और फिर ये बाहर से सिल्वर कोटिंग इसलिए रखा है बच्चों, क्योंकि वो बाहर से हीट को रिसीव ना करे। इसलिए नॉर्मली अगर आप लोग थर्मो क्या कहते हैं उसको, थर्मास वगैरह कहते हो ना, थर्मास फ्लास्क वगैरह, उसमें बाहर से नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं तो उसको मोस्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस होते हैं, सिल्वर टाइप आजकल ज्यादा आ रहे, पहले वाले इतने नहीं डेवलप थे, अभी ज्यादा आ रहे, ताकि वो बाहर के साथ में हीट को एक्सचेंज ना करे। उसके अंदर एक मटेरियल होता है कि जो जनरली जो होता है हीट का पुअर कंडक्टर होता है, और फिर अंदर जो होता है ना और एक मटेरियल होता है, तो हीट का एक्सचेंज रोकने के लिए हम लोग उसका ऐसा करते थे, ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। इसको हम लोग कहते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। अब एक चीज, एक दो पॉइंट्स है बस आपको उसको समझना है, बाकी सब चीज हो चुकी है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट में ध्यान दो, जब भी कभी हम लोग किसी भी बॉडी को हिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, हिट करेंगे, तो जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा बच्चों, होता यह है कि उसके थ्रू थर्मल रेडिएशंस एमिट होते हैं, ओके, व्हेन ए बॉडी इज हीटेड, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, जब भी बॉडी को हाई टेम्परेचर पे आप हीट करो, क्या होता है बच्चों, देयर इज अ थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन, तो वो क्या करता है, एमिट करता है, थर्मल रेडिएशन चाहते हैं उसमें, तो बॉडी को टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे उसका थर्मल रेडिएशन बढ़ते चलेगा, और ऐसे इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कैविटी रेडिएशन, क्या कहते हैं, कैविटी रेडिएशन, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, जैसे कि ये बॉडी भी, तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये थर्मल रेडिएशंस को पास करेंगे, और ये जो थर्मल रेडिएशंस है जिसको पास होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी रेडिएशन, क्या कहेंगे बच्चों, कैविटी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी का रेडिएशन और ये थर्मल, ये रिसेंबल करते हैं एक दूसरे के जैसे ही। अब किसी भी सब्सटेंस का साइज कैसा है, शेप कैसा है, इसके ऊपर वो निर्भर नहीं रहता। ये जो कैविटी रेडिएशन है ना, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर ओनली एंड नॉट साइज एंड शेप ऑफ दैट पार्ट। जिससे भी कैविटी रेडिएशन आ रहा है ना, उसके शेप साइज से लेन देन है, किससे लेन देन है बच्चों,
सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से। ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रेडिएशन, कम टेम्परेचर कम रेडिएशन। समझ गए, क्लियर है? थ्योरी पार्ट था, क्लियर हो चुका है। अब हम लोग कल जो है ना फेरिस ब्लैक बॉडी के आगे जाने के बाद हम लोगों को एमिशन ऑफ द हीट रेडिएशन और कुछ दो चार लॉज है वो पढ़ने। कल मिलेंगे फिर से एक बार। और बच्चों बने रहिएगा हमारे चैनल पे। होपफुली आप लोग धीरे धीरे से समझ पा रहे हो, हम लोग बहुत अप एंड डाउन नहीं कर रहे ये लग रहा है मुझको, और इसलिए फिर आप लोग थोड़ा सा कान खोल के सुनते रहिएगा। और कई सारे बच्चे अभी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बच्चों देखो उनको फॉर्मुलेशन ही नहीं पता है। और कई सारे लोगों को बार बार ये कहते हैं कि सर वो कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ा दो, वो कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ा दो। बच्चों देखो कॉन्सेप्ट पढ़ाने का टाइम बहुत पहले का था, मतलब जैसे अभी का था। कॉन्सेप्ट पढ़ाना ये एंड में जब एग्जाम आती तब कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं लगते बच्चे, सिर्फ प्रैक्टिस बचती तब। सिर्फ फार्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व, फार्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स नोट्स नोट नोट। आप लोग थ्योरी को अभी पढ़ो, क्लियर करवा लो। कुछ डाउट्स है पुट करते चलो। आपके जो भी डाउट्स है उसके लिए हम लोग वापस से कोई ना कोई सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन एंड तक मत जाने दो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों कल फिर से मिलेंगे एक बार और अगले लेक्चर में बने रहिएगा। बाय।